एम की जो 12,000 की पैसों की तकसीम है वो स्टार्ट हो चुकी है। इस मामले में हमने तहसील जड़ावाला में 3 सेंटर कायम किए हैं, जिसमें 2 जड़ावाला शहर में है, एक गर्ल्स हाई स्कूल है, एक गर्ल्स डिग्री कॉलेज जड़ावाला है, और एक सेंटर हमारा खुड़ियावाला में है जो कि बॉयज़ हायर सेकेंडरी हाई स्कूल है। चूँकि ये एक बहुत ही अहम असाइनमेंट है और इस वक्त जैसी पूरे मुल्क में सिचुएशन है, इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने पूरी कोशिश की है कि तमाम जो भी SOPs हैं इसमें, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग हो गई, हैंड वॉशिंग हो गई, उसको हम इंश्योर करें। उसके अलावा प्रॉपर सिक्योरिटी भी फराहम की जाए, जितने भी लोग यहाँ पे अपने रकम वसूल करने आते हैं। हमने हर सेंटर में एक एक मेडिकल कैंप भी बनाया हुआ है। हम यहाँ पे रेगुलर बेसिस पर जो पीने का पानी है ठंडा वो रख रहे हैं। गर्मी की मुनासबत के हिसाब से हमने तमाम जो वाटर कूलर्स हैं उनके अंदर ग्लूकोज भी डलवाया हुआ है, ताकि जो ज़यीफ़ ख़वातीन होती हैं, जो कमज़ोर ख़वातीन होती है, वो ग्लूकोज वाला पानी पिएँ और अपनी तवानाई को बरकरार रखें। इसके अलावा हमने कोशिश की है कि सुबह जो हमारा ओपनिंग टाइम होता है उसे 1 घंटा पहले स्टार्ट करें। मतलब हमारा जो डेली का ओपनिंग टाइम है वो 8 बजे होता है, हम 7 बजे हमारे सेंटर्स ओपन कर देते हैं और हमारा क्लोजिंग टाइम 6 बजे होता है। हमने कोशिश की है कि ज़्यादा वक्त देते हुए ये सेंटर्स हम 7 बजे क्लोज़ करें, ताकि मैक्सिमम ख्वातीन को इसमें उनकी अमाउंट्स दी जाएँ। और अब तक की जो हमारी प्रोग्रेस रही हो, हमने तकरीबन 3 दिनों में 6,000 ख्वातीन को उनकी जो रकूम है वो दे दी हैं। जब हमें आपके तआवुन की ज़रूरत है, ये वक्त सख्ती करने का, पकड़ धकड़ का नहीं है, ये वक्त है एक नेशनल एमरजेंसी का। इसमें हम सब की कोशिश है कि हम सब तआवुन से चलें। जो भी इसमें दुकान के खुलने के और बंद होने के औकात हैं, जो जो दुकानें खुल सकती हैं, प्लीज़ उस पर अमल कीजिए। इंतज़ामिया 24 घंटे आपके लिए अपने घरों से बाहर होती है, रिस्क ले रही होती है। हमें नहीं पता कि हम किन किन लोगों से इंट्रैक्शन करते हैं, किन किन लोगों में कोरोना मौजूद है और किन किन लोगों में कोरोना मौजूद नहीं है, लेकिन हम अपनी जान का रिस्क लेकर, हमारी फैमिलीज़ का रिस्क लेकर 24 घंटे आप लोगों की सर्विस में मौजूद होते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि अपने घरों में ठहरें, सिर्फ अहम औकात में अगर आपने निकलना है सौदे के लिए तब निकलें। हम पूरी कोशिश करें कि जड़ावाला को हम कोरोना से पाक साफ़ रखें। अल्लाह का शुक्र है, हमारी अब तक की जितनी काविश हैं वो कामयाब गई हैं और हमने कोरोना को जड़ावाला में एंटर नहीं होने दिया। और अगर ऐसा कोई खदशा आता है तो हमारी मेडिकल टीम्स, हमारी पुलिस की टीम्स होती हैं, वो फ़ौरन उस पर कार्रवाई करते हैं। हमें जिस चीज़ की भी ज़रूरत है वो है आपके तआवुन की, और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा जितना भी अरसा ये लॉकडाउन जारी रहता है, जितना भी अरसा ये कोरोना की जो एक वबा है, एक अजाब है हमारे ऊपर, ये जितना भी असर रहता है, इसमें हम कोशिश करेंगे कि अपनी अनथक मेहनत